तो स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। बहुत सारे बच्चों का लगातार कमेंट आता है कि सर समर वैकेशन कब से हो रहा है, आप इसको जरूर बताइए, यानी उत्तर प्रदेश में स्कूल कब से बंद हो रहा है, गर्मियों की छुट्टियां कब से हो रही हैं, इसके बारे में लगातार कमेंट आता है। तो इसलिए एक लेटेस्ट अपडेट, नई जानकारी है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं कब से हो रही है गर्मी की छुट्टियां उत्तर प्रदेश में। तो स्कूल समर वैकेशन, स्कूल में इस दिन से शुरू होगी गर्मियों की छुट्टियां, जानिए क्या पूरा अपडेट है। दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां कब होगी, यही लगातार क्वेश्चंस हैं। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी परेशान हैं क्योंकि सूबे में गर्मी जमकर पड़ रही है, इसलिए अभिभावक चिंतित हैं और गर्मी की वजह से कहीं बच्चों को कुछ हो ना जाए इस बात से भी चिंतित हैं, क्योंकि जो तापमान है 46 से 47 डिग्री तक पहुंच रहा है, इसलिए छुट्टियां जल्द हो जाए तो बहुत अच्छा है। कुछ निजी स्कूलों में छोटे बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं, पर अभी ढेर सारे स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान नहीं हुआ क्योंकि वहां पर एग्जाम चल रहे हैं फर्स्ट यूनिट का, और वहां पे इंतजार यही है कि जैसे एग्जाम खत्म होगा बच्चों की छुट्टियां होंगी। सिर्फ 8 दिन बचे हैं, स्कूल छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। लगभग आपको बता दें तो 21 मई से छुट्टियों का ऐलान हो जाएगा, 21 मई से ग्रीष्म अवकाश शुरू होगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी 1 से 8वीं तक के विद्यालय तो 21 मई से बंद हो रहे हैं 1 जुलाई तक, पूरे 41 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे, 30 जून तक स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी और 1 जुलाई से स्कूल सुबह 8 बजे से खुलेगा और दोपहर 2 बजे तक शिक्षण कार्य होगा। तो नई व्यवस्था के अनुसार ग्रीष्म अवकाश में मध्यावकाश जो होता है वो सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के बीच होगा, बस तैयार हो जाए तो 21 मई से ग्रीष्म अवकाश शुरू हो जाएगा। इस बार आपको बता दें कुछ और भी नई जानकारियां जिसे आप जान लीजिए। स्कूलों की छुट्टियां 2022 का कैलेंडर जारी हो चुका है। अब आपको बता दें तो स्कूल कुल 119 दिन तक बंद रहेगा, यानी आपको बता दें तो ये पूरा वार्षिक कैलेंडर है जिसमें 365 दिन में 119 दिन विद्यालय बंद होगा। रविवार के साथ पर्वों को भी शामिल कर लिया जाए तो इस साल 75 दिन तक अवकाश रहेगा, इसमें समर वैकेशन और विंटर वैकेशन भी शामिल है। इसके अतिरिक्त 44 रविवार की छुट्टियां हैं, तो कुल मिलाकर 119 दिन विद्यालय बंद रहेगा। छुट्टियों का कैलेंडर दिसंबर माह में जारी किया गया था। कुल मिलाकर आपको बता दें तो 21 मई को विद्यालय बंद हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और बाकी भी निजी स्कूलों में भी विद्यालय जल्द बंद होगा क्योंकि अब फर्स्ट यूनिट का ये आखिरी समय चल रहा है, तो जल्द से जल्द प्राइवेट स्कूल भी विद्यालय बंद करने वाले हैं, इस वजह से एग्जाम भी स्टार्ट कर दिए हैं। जल्द ही डीएम का आदेश जारी किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।